हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के फर्स्ट वीक की 1 to 7 के लिए। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स। बहुत ही वियर्ड तरीके से ये रीडिंग आई है। इसमें दो कार्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दो कार्ड्स बहुत ज्यादा सैड हैं। किंग ऑफ कप्स के साथ वर्गोस, आई थिंक आप किसी चीज को कॉन्क्वेस्ट करने निकले हैं, किसी चीज को जीतने के लिए निकले हैं। ऐसी चीज जिसको आप सोचते हैं कि आपके लिए जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड आप उस पर्सन के साथ शादी करना चाहें, या आप सिंगल हैं तो आपका कोई क्रश हो। तो यहां पे आप इस पर्सन को पाना चाहते हैं और इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। एस ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपके साथ बिल्कुल मैच करता है। चाहे आपके साथ फिजिकली मैच की बात हो, मेंटली थॉट्स की, या फिर फाइनेंशियली आपको मैच करने की, ये पर्सन जो है हर तरीके से आपको मैच करता है, आपको सपोर्ट करता है। एंड एज इफ आपको यह लग रहा है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन को आपके लिए ही क्रिएट किया था और अब आप इस कप को लेना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। मगर यहां पे नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपके मन के अंदर एक्साइटमेंट है, आप चीजों को पाना चाहते हैं, नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। बट नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप बहुत ज्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कि आपके साथ पास्ट के कुछ महीनों में या इस वीक में ऐसा क्या होने वाला है जिसके कारण आप मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं। बट यहां नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं अपने अकेलेपन से, आपको अकेलापन फील हो रहा है। जरूरी नहीं कि आपके रिलेशनशिप को ही लेके हो, ये चीज हो सकती है कि आप अपने वर्क को भी लेके इनसिक्योर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कोई रास्ता नहीं है आपके आसपास। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपकी फैमिली की भी कोई सिचुएशन हो सकती है। बट जहां भी आप ये कार्ड अप्लाई करते हैं वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। आपके लिए ऑप्शंस की कमी है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप किस रास्ते पे जाए आपको पता नहीं है, आप अपना रास्ता खोज रहे हैं। बट थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स में है। सो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जब रिवर्स में आया है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपकी ये फीलिंग है कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ से परमानेंट चला गया है, या ये पर्सन आपको अकेला छोड़ देगा हमेशा के लिए, कहीं आपको कट ऑफ ना कर दे, कभी आपकी तरफ मुड़ के ना देखे, तो ऐसा नहीं है। वर्गो, ये पर्सन रहेगा आपके टच में, लगातार रहेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करता है और ये पर्सन आपको कट ऑफ नहीं करने वाला है पूरी तरह से कभी भी। तो इतना इनसिक्योर मत होइए आप। फिलहाल थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन यहां पे अभी आपकी होप बाकी है। इसके अलावा वर्गोस, ये सिर्फ जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो अच्छी बात है, एंड ऑफ कोर्स रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है।
हो सकता है कि कोई वर्गो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हो, क्योंकि ये वन वे स्प्रेड है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्गो। वर्ल्ड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स the chariot four of pentacles okay फिर दो कार्ड्स काफी पॉजिटिव एंड दो कार्ड्स डिफरेंट इनसे। खैर द वर्ल्ड के कार्ड के साथ मुझे लग रहा है आप जुलाई के फर्स्ट वीक में ट्रेवल करना चाहते हैं किसी रीजन से। रीजन कुछ भी हो सकता है, आप अपने लव्ड वन से मिलने वाले हो, आप कोई नया वर्क प्लेस पे स्विच करने वाले हो, मगर यहां पे ट्रेवल दिख रहा है, मूवमेंट दिख रहा है। ये सिंपल हो सकता है, आप अपने परिवार से भी मिलने जा सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आप यहां मूव करना चाहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। और यहां पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन अगेन वर्गो, आप अगेन ये फील कर रहे हैं जैसे आपको छोड़ दिया गया है अकेले, बट ऐसा नहीं है। आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें आपकी केयर है, उन्हें आपकी परवाह है, किसी ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। आपकी ये टेम्पोरी फीलिंग्स आपको नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स दे रही है, आप सोच नहीं पा रहे प्रैक्टिकली किसी भी चीज को। द चैरियट के कार्ड के साथ आप में किसी भी काम को करने की बहुत जल्दी है, शायद आप जल्दी से जल्दी कहीं जाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी किसी रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना चाहते हैं। अगर आप फिजिकल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, तो यहां पे बहुत फास्ट आप मूव करना चाहते हैं। आपके अंदर बेचैनी हो सकती है इस वीक में, किसी भी काम को लेके उतावलापन हो सकता है कि इसे जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी फिनिश करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं जो ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं वो देखने के लिए आपके अंदर बहुत ईगरनेस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं फाइनेंसेस को लेके, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, या आपने जिन चीजों को जैसे सोचा था वैसे वो फिलहाल के लिए प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है यहाँ आपको ये फील हो सकता है कि वर्क प्लेस पे आपको इतना नहीं मिल रहा है जितना आप डिसर्व करते हैं। हो सकता है कि आप जितना काम कर रहे हैं आपको लगता हो कि उसके हिसाब से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, इसके लिए आप चेंज करना चाहते हो द वर्ल्ड, आप स्विच करना चाहते हो जॉब, आप स्विच करना चाहते हो प्लेस, ऐसा ही कुछ आपके कार्ड में दिख रहा है वर्गोस। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या है। मैसेजेस फॉर वर्गोस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। द शेकिना सेक्रेट सेल्फ अनलीश योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। सो आपको यहां कह रहा है ओरेकल, आपके जो स्पिरिट है उसको आपको खुल के जीना चाहिए वर्गो। मुझे लग रहा है आप बहुत संभल संभल के चल रहे हैं,
इस टाइम में आप रिलेशनशिप की बात आती है तो आप समझ समझ के बोलने लगते हैं, सोच सोच के बोलने लगते हैं आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपके वर्क प्लेस की बात आती है तो आप बहुत सोचने लगते हैं कि अगर आप स्विच करेंगे आगे तो क्या होगा, इस तरह की चीजें होने लगती है। सो आपको कहा जा रहा है अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़िए, अपने मन की करिए और सब अपने आप ठीक होता जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग फर्स्ट वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।